हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अब जो है बरसात स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे जगहों पे अच्छी बरसात हो रही है और कई जगहों पे तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि जिसकी संभावना भी नहीं जताई जाती थी। तो कृपया आप लोग सुरक्षित रहिए जहाँ भी हैं और अपने पौधों को भी खास ध्यान रखिए। तो आज का जो फ्रेंड्स विषय है वो यही है कि गुलाब में जैसे कि अभी क्या होगा कि जैसे ही गर्मी आपकी एंड हो रही है और गर्मी के साथ सीधे बारिश हो रही है, तो तुरंत प्रभावी रूप से जो है पौधों में नया फुटाव, नए फ्लावर, नई कलियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो दिमाग में एक आशंका बैठ जाती है, एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि जो पौधे में फ्लावर आ रहे हैं उन्हें हमें लेना है या हम उन्हें डीबड कर दें। तो बहुत सारा ये जो डीबडिंग का कॉन्सेप्ट है दिमाग में बहुत ही उलझन पैदा करने वाला है। तो हम आज जानेंगे कि डीबडिंग क्यों करना ज़रूरी है, क्या करना नेसेसरी है, आवश्यक है, या किन पौधों में हम कर सकते हैं, छोटे पौधों में की जाए, बड़े पौधों में की जाए या कौन से पौधों में की जाए। तो आज का जो विषय है फ्रेंड्स यही रहेगा और इसी पे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक पौधा है जो एक छोटे से गमले में लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा गमला नहीं है। और आपको मैं दिखा दूं कि ये जो है 5 इंच का गमला है और ये वही पौधे हैं जो मैंने फरवरी में लगाए थे। और ये मिट्टी में लगा हुआ पौधा है मेरा। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये गर्मी, चूँकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव इस बार हुई है, बहुत ज़्यादा हीट वेव चली है, लगातार 10 दिन तक चली, जिससे पौधे बहुत ज़्यादा झुलस गए हैं, बहुत सारे पौधों की पत्तियां जल गई, ब्रांचेस सूख गए और मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक त्रासदी थी, एक आपदा थी जिसमें बहुत सारे पौधों को बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे बरसात शुरू हुई है तो अचानक से जो पौधे एकदम से दबे हुए थे, विकास नहीं हो रहा था, जिनमें कोई फुटाव नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से, बहुत तेज़ी के साथ फुटाव हुआ है और उनमें जो फ्लावरिंग एक तरह से कहते हैं स्टॉप हो गई थी, वो होने लगी है। तो अभी क्या है, पौधा देखिए छोटा है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या हमें ये फ्लावर लेने चाहिए या फ्लावर को हमें ब्यूटी के तौर पर रखना चाहिए पौधों में, ये है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि जो भी फ्लावर्स होते हैं वो ब्यूटी के लिए हैं, गुलाब आप फूलों के लिए ही लगा रहे हैं। तो यदि अति आवश्यक ना हो या आपकी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं ना हो कि हमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लावर लेने हैं कमिंग सीजन में, या मुझे सीधे जो है 1 साल में 5 फीट का पौधा बना देना है, इस तरह की कोई अगर बहुत ज़्यादा आपने अपेक्षाएं नहीं रखी हैं अपने पौधे से, तो बेशक आप पौधों से फूल ले सकते हैं। और ये भी एक चीज़ है कि ये तो मैंने एक बात कह दी कि आपको फ्लावर ले लेने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप पौधों पे दबाव भी एक बनाते हैं कि छोटे पौधे पे अगर आप फ्लावर लेंगे तो वो बाकी सारा विकास रुक देगा, ब्रांचिंग रुक देगा, कोई और ग्रोथ करना रुक देगा, सीधे सिर्फ फ्लावरिंग पे फोकस करेगा, क्योंकि गुलाब की हैबिट है वो अपनी ब्यूटी को दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मेरा ये मानना है कि एक जो मिला जुला एक कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो छोटा पौधा है, जैसे कि जिस पौधे की जो हाइट है वो लगभग 8-9 इंच से ज़्यादा नहीं है, ऐसे पौधों में कोशिश ये करें कि फ्लावर ना ही लें। और जो पौधे आपके लगभग 1 फीट के हो गए हैं उनमें अगर आप फ्लावर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी 1-2 फ्लावर आ जा रहे हैं सीजन में या थोड़े बहुत केयर में वो आप ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश यही करना है कि छोटे पौधों पे थोड़ा सा बर्डन कम डालें, क्योंकि जब ज़्यादा आप बर्डन डालेंगे किसी भी पौधे पे तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। मैंने अभी देखा है कुछ लोगों ने मेरे से कॉल पे भी बात की थी और क्वेश्चन भी किए थे कि सर अभी बहुत सारा फूल आ रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ और बहुत फ्लावरिंग हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए, छोटे पौधे पे भी फ्लावर आएंगे, बड़े पौधे पे भी फ्लावर आएंगे, क्योंकि गुलाब का नेचर ही है ब्यूटी को दिखाना। अब उसमें ये है कि क्या हम उस पौधे पे फूल लें या उस पौधे पे फूल ना लें। अब जैसे कि ये एक छोटा सा पौधा मेरे पास रखा हुआ है, अब आप देखिए कि इस पे जो भी फ्लावरिंग आती है, मैं इस पे फ्लावर
अभी डिबडिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पे फ्लावर लेने लगूंगा तो ये क्या होगा कि एक टाइम पे ब्लाइंड शूट ज़्यादा अपीयर करेगा, क्योंकि वो क्या होता है कि उस पे जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा हमने उससे वर्क ले लिया। तो ऐसे पौधों पे थोड़ा सा वर्कलोड कम देना है, ज़्यादा हमें वर्कलोड नहीं देना है, अन्यथा वो पौधा क्या हो जाएगा, लेगी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ग्रोथ रोक देगा और तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अब बात आती है फ्रेंड्स की, जैसे एक तो मैंने कहा कि आप डिबडिंग करिए, एक बोला डिबडिंग ना करिए, तो बहुत सारे लोग असमंजस में पड़ जाएंगे कि डिबडिंग क्या करें ही ना, क्या डिबडिंग एकदम से करें। तो देखिए एक ये भी है तथ्य है कि अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा डिबडिंग कर देते हैं यानी फ्लावर को तोड़ देते हैं, तो वो होगा क्या कि एक टाइम के बाद वो फ्लावर में, जैसे कहते हैं कि वो उसके अंदर की ब्यूटी जो है वो रुक जाएगी, ब्यूटी हार्मोन उसके थोड़े स्लो हो जाएंगे, फ्लावर कम होंगे। तो मैंने आमतौर पर ये चीज़ सुना है कि 100 लोग अगर मेरे से बात करते तो उसमें से इक्का दुक्का लोग ही, यानी कि 2% या 1% लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक डिबडिंग कर दी, यानी उन्होंने पूरा एक साल फ्लावर लिया ही नहीं, तो उनके साथ ये समस्याएं आ जाती हैं। लोग कहते हैं फ्लावर आ ही नहीं रहा है, एक्चुअली वो फ्लावर नहीं, वो उसको ब्लाइंड शूट जनरेशन बोल देते हैं। तो होता क्या है कि ये चीज़ें समस्याएँ आ जाती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। अब जो सबसे आवश्यक है इस दौरान में, जो मैंने इतनी चर्चाएँ की कि डिबडिंग एक्चुअली में वास्तव में करना कैसे है। अब देखिए मैं प्रैक्टिकली तो मैं इस पे फ्लावर अभी मैं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों के लिए ही कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है फ्लावर तोड़ने का, डिबडिंग मतलब फ्लावर को तोड़ने का या कलियों को तोड़ने का। तो इससे 2-3 फायदे आपको मैंने बताए दिए, फ्लावर भी आपके अच्छे आएंगे, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे का एक कहते हैं समुचित विकास होगा। तो हम एक तो उस वजह से करते हैं, दूसरी चीज़ है कि जो अभी हमें तोड़ने का जो तरीका है, मूल कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें जानना है। कि जैसे कि ये ब्रांच आपकी अगर है, मैं आपको दिखाऊँ इसको थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाऊँ, जैसे कि ये ब्रांच है, काफ़ी ख़राब स्थिति में पौधा है, चूँकि केयर कम मैं करता हूँ, दवाइयों का उपयोग मैंने बहुत कम किया है। तो अभी आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि ये ब्रांच अगर है आपकी, यहाँ से कली निकली हुई है और यहाँ पे फ्लावर लगी हुई है, और एक कली ये है, यहाँ छोटी कली है, तो अभी मुझे किन को तोड़ना चाहिए? ये छोटी कली एक यहाँ है, एक यहाँ है थोड़ी उससे बड़ी, एक थोड़ा सा फ्लावर ओपन हो रहा है, और ये 3 फ्लावर जो हैं पूरे खिल चुके हैं। तो मुझे किस अवस्था में इनको तोड़ना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ ये कि किन अवस्थाओं में इनको प्लकिंग करनी है, तोड़ना है। तो देखिए जो सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है वो ये वाली मानी जाती है कि अगर फ्लावर हाफ अभी आज ओपन, जैसे ये आज खिलना शुरू हुआ है, कल ये पूरी तरह से खिल जाएगा, तो मुझे क्या करना है, आज ही इसको तोड़ देना है। और तोड़ना नहीं है कि इसको ब्लेड से या फिर किसी कैंची से या फिर किसी सिकेटियर से हम इसको पूरा काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली जो है ऐसे यहाँ से ऐसे बेंड कर देना है। मैं इसको थोड़ा और नज़दीक करके देखूँ, जैसे ये है, इसको ऐसे बेंड कर दीजिए, थोड़ा सा नाखून से ऐसे दबा देंगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये स्किन इसकी जो है, जो इसका आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है जो इस ब्रांच का, वो चिपका हुआ है, लेकिन इनर से मैंने ब्रेक कर दिया है। तो ये क्या है कि ये 3-4 दिन 5 दिन में ये सूख जाएगा पोर्शन, और यहाँ पे एनर्जी ये बैकअप करेगा पीछे, और ये जो नोडल पॉइंट्स जितने भी हैं, जो भी इसके नोड्स हैं, वहाँ पे क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, और यहाँ से नए ब्रांचेज, नए फुटाव जो है होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्रेक करने का। अब बात आती है, क्या इस कली को तोड़ सकते हैं जो थोड़ी सी बड़ी है, और क्या इसको जो एकदम छोटी है? तो ऐसा कभी मत करें। और ये पुराने फ्लावर को तो आप, जैसे ये खिल गया तो ये अब तो इसे तोड़ना ही तोड़ना है, काटना ही काटना है, तो इसके बारे में नहीं करेंगे। जो अच्छी अवस्था मानी जाती हो यही मानी जाती है कि ऐसे जब हाफ ब्लूम हो तभी हमको ये ब्रेक करना है। ये ऐसे काट के अलग नहीं करना है, इसको हाफ ब्रेक करके छोड़ दीजिए, 3-4 दिन में सूख जाएगा। फिर आप इसको मैनुअली, जैसे ये सूख गया है तो इसको मैनुअली हम हटा सकते हैं, ऐसे ये भी सूखेगा इसको भी हटा सकते हैं, ये सूखा हुआ है इसको हटा दीजिए। लेकिन जो ये अवस्था है इसमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है, जो ये अवस्था है फ्लावर की इसमें बिल्कुल नहीं फ्लावर को तोड़ना। क्यों नहीं तोड़ना, इसका कारण मैं बता दूं। जैसे ये जो कली है ये अभी बढ़ेगी, अभी ये बढ़ेगी तो इसके ब्रांच में भी कुछ विकास होगा, कुछ लंबाई इसकी इंक्रीज होगी, तो एक कह सकते हैं कि पौधे का विकास भी रुक जाएगा अगर हम छोटी अवस्था में इसको तोड़ दें। अभी ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको तोड़ दूँ ऐसे, तो होगा क्या कि ये ब्रांच बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो कली होती है कि वो एनर्जी को खींचती है,
पौधे के ब्रांच से होके एनर्जी कली तक आती, क्योंकि फूल जो है, जो कली है, वो फाइनल प्रोडक्ट है गुलाब का। अब होगा क्या कि अगर हम जो है यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग अवस्था में ही हम इसको तोड़ देंगे तो क्या है, सप्लाई रुक गई। अब ये कह रहा है मुझे चाहिए नहीं, मुझे कोई खाना नहीं चाहिए, मुझे अब मैं एकदम से मेरा पेट भर गया है, तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई बंद, तो ये ब्रांच का विकास भी बंद। ये ब्रांच का विकास जैसे अगर 100% की तेजी के साथ होना था, 100 की स्पीड से होना था, तो अब क्या हो जाएगा, 10 की स्पीड पे हो जाएगा। तो ये ब्रांच जो है, अगर ये 5 इंच का होना था तो ये कहीं 2 इंच 2.5 इंच तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये है इसका कारण कि हमें छोटी कली को नहीं तोड़ना है। जब कली पूरी, अब जैसे जैसे कली बढ़ेगी तो ये ब्रांच खींचेगा, ये पावर खींचेगा, तो ब्रांच लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, क्या पता और अच्छी हो जाए। अभी चूंकि सीजन क्या है, गर्मी से ठंड बरसात में प्रवेश कर रहे हैं, तो पौधे में इतना तेजी विकास आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको ये सब सावधानियां रखनी है। अब इस कली को क्या तोड़ सकते हैं? नहीं, अभी इसको भी नहीं तोड़ेंगे, अभी वेट करेंगे थोड़ा और, क्या पता इंक्रीज हो जाए, कुछ और ब्रांचिंग कर ले, थोड़ा साइज बढ़ जाए। तो इसी को कहते हैं कि डीबडिंग का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको किस प्रकार करनी है। अब डीबडिंग मैंने बोल दिया तो बहुत सारे लोग देखते हैं फेसबुक पे तोड़ के पूरा जो है एक डलिया भर के पूरा जो है 200-300 बड़, और जैसे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि 500 फूल की कलियां तोड़ करके ऐसे मेज पे बिछा के दिखाएंगे कि टुडे आई प्लग्ड इतने फ्लावर, ये किया वो किया। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बहुत सारा तोड़ दे रहे हैं। मेन चीज़ है कि उस कॉन्सेप्ट को आपने कितनी गहनता के साथ, कितने अच्छाई के साथ ग्रहण किया है। जब तक आपका नॉलेज अच्छा नहीं होगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था डीबडिंग का कॉन्सेप्ट जानना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही चीज़ थी। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, क्योंकि रोजेस पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, छोटे से छोटे टॉपिक्स को भी मैं कवर करूं, ताकि आपके लिए वो परेशानी का विषय ना रह जाए और गुलाब एक बहुत ही ईजिंग प्रोसेस हो जाए, बहुत ईजी ग्रोइंग प्रोसेस हो जाए। क्योंकि गुलाब में हम सिर्फ यही अभी तक समझ पाए हैं जो मैंने 4-5 सालों में देखा है लोगों के द्वारा, जो मैंने एनालिसिस किया है कि गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे पाएँ, 10 इंच के गमले में 5 फीट का गुलाब कैसे करें। लोगों के मन मस्तिष्क में यही कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, किसी ने ये सीखने की कोशिश ही नहीं करी कि गुलाब को एक्चुअली में पाला कैसे जाए, गुलाब को ग्रो कैसे किया जाए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपको गुलाब जो है आसान भाषा में और सीमित संसाधनों में बता पाऊँ कि कैसे गुलाब को एक अच्छे प्रकार से आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सुझाव रह गया हो या चाहते हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।